और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत से एजुकेशनल टिप्स से लेकर 9th, 10th, 8th का मैथ भी हम आपको पढ़ाऊँगा। समय आने पर सबका वीडियो मिलेगा धीरे धीरे। हम थोड़ा सा ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इसीलिए हम YouTube पर बहुत कम मतलब वीडियो डालता हूँ। तो आने वाला समय में बहुत ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगा, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज रविवार है और रविवार के दिन हम क्या पढ़ते हैं, तो रविवार के दिन हम ड्राइंग पढ़ते हैं। ड्राइंग में मैं आपको क्लॉक पढ़ा दिया हूँ, इसके पहले भी बहुत सी चीज़ ड्राइंग में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अब हम लोग एक नया सीरीज चालू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग पता है क्या पढ़ेंगे, तो रोड साइड जो आपको सिम्बॉल नहीं दिखता है उसी सिम्बॉल को बारे हम लोग समझेंगे कि आखिर उस सिम्बॉल का मतलब क्या होता है। तो आज तो हमने कुछ मतलब सिम्बॉल उसमें से बनाया हूँ, ट्रैफिक लाइट है और ये जो सब माइलस्टोन्स है, तो अभी उसको हम आपको समझाता हूँ। जैसे हमको आया वैसे बना दिया हूँ। इसको बनाने के पहले आपको सबको मोबाइल में फोटो भी दिखाया गया है, तो आप मोबाइल में देखे थे तो उससे उसको भी उससे रिलेट करके बना सकते। जैसे भी हम भी तो अपने अच्छा ही बनाए हूँ, जैसे मुझसे मैंने बन जाए उससे तो अच्छा बनाया हूँ, मतलब खुद से मैंने अपना 100% दिया है इसको। तो आप चलिए इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो ट्रैफिक लाइट जो होते हैं उसमें सबसे पहले जो ऊपर होता है तो रेड रंग का होता है, क्या होता है रेड। तो रेड का मतलब होता है रुक जाओ, मतलब स्टॉप, यानी रुक जाओ। जब रेड लाइट जल जाता है तो हमको रुक जाना होता है। अगर येलो जल गया रेड के बाद रेड बुझ जाता है यानी, और इसके बाद येलो जलेगा। जब येलो रंग का जल जाएगा तो रेडी टू गो, मतलब जाने के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर इसके बाद जब येलो बुझ जाएगा तो ग्रीन जलेगा, और ग्रीन जैसे जला तो आदमी मतलब जाना शुरू कर देता है, मतलब गो यानी चले जाइए। तो इसको स्पेशल हमने माइलस्टोन पर एक स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। बहुत अच्छा से आपको ये माइलस्टोन के बारे में समझ में आ जाए कि किस रंग का माइलस्टोन किस सड़क पर लगाया जाता है। लेकिन हमें चित्रकला में पढ़ना है तो आप खाली इसको समझ लीजिए किस में कौन कलर में किस माइलस्टोन को किस कलर से भरना है, किस कलर से फिल करना है। तो देखिए ये जो माइलस्टोन है राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपको मिलेगा, तो इसके लिए येलो रंग का यूज करिएगा, पूरा माइलस्टोन बना दीजिएगा। और या ऊपर का क्या करिएगा, साइड खाली इतना भाग ऊपर का येलो रंग से रंग दीजिएगा। अब देखिए यह दिल्ली मतलब जहाँ लोकेशन आपका कोचिंग है वहाँ से दिल्ली पता है 927 किलोमीटर दूर है। ये आपका ग्रामीण सड़कों पर दिखेगा और ये ऑरेंज रंग से रंगना है। किस रंग से, तो ऑरेंज रंग से रंगना है, इसको ऑरेंज कलर से रंग दीजिएगा। इसको किस रंग से रंगना है, तो हरा रंग से रंगना है। तो ये कौन सा राज्य राजमार्ग होता है, जहाँ से आपका कोचिंग है वहाँ से पटना पता है 146 किलोमीटर दूर है। आप देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एक देखिए ब्लैक, इसको क्या करिएगा ऊपर वाला खाली हिस्सा को ब्लैक कलर से रंग दीजिएगा। तो जब ब्लैक से रंगिए तो मतलब ब्लैक वाला क्या बताता है, तो जिला सड़क है, मतलब 6 किलोमीटर दूर हम लोग का जिला जो गोपालगंज पड़ता है वो है। तो अब आपको सब इसको बनाइए कलर कीजिए। तो आप बता दीजिए कि इसको किस रंग से रंगिएगा, इसको किस रंग से रंगिएगा, इसको किस रंग से रंगिएगा, इसको किस रंग से रंगिएगा। तो आइए देखते हैं कि बहुत लड़के ने बहुत अच्छा बहुत मेहनत करके चित्र बनाया है, तो कौन कैसा बनाया है। हमने साइन कर दिया, सबको गुड वेरी गुड दिया है। तो देखिए अगर आपको भी अगर लग रहा है कि इस अच्छा बनाया है तो आप अब हमको बताइए कि इसमें सबसे अच्छा किसका है, क्या हमने सबका नाम भी नीचे लिखा गया है, तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा चुनाव कैसा सही है कि नहीं है उसको भी थोड़ा सा बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत से एजुकेशनल टिप्स से लेकर 9th, 10th, 8th का मैथ भी हम आपको पढ़ाऊँगा। समय आने पर सबका वीडियो मिलेगा धीरे धीरे। हम थोड़ा सा ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इसीलिए हम YouTube पर बहुत कम मतलब वीडियो डालता हूँ। तो आने वाला समय में बहुत ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगा, तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप बताइए कि कमेंट बॉक्स में किसका मतलब चित्रकला सबसे अच्छा था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।